हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करना जूनियो एप्लीकेशन पर एक न्यू अपडेट के कारण यहाँ बिल्कुल ही चेंज हो चुका है एप्लीकेशन। अब आपका मेन बैलेंस बिल्कुल ही अलग हो चुका है, मतलब अगर आपके अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल है, चाहे मेन बैलेंस हो या फिर आपके डेबिट कार्ड में हो, डेफिनेटली आपको वीडियो एंड तक देखना चाहिए, तभी आप यहाँ पर रीजन जान पाओगे कि आपको क्यों ये एरर शो कर रहा है, कि आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। पूरी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं निकेत झा और आप देख रहे हैं टेक इन्वेंटेड। तो गाइस जब आप यहाँ पे जूनियो एप्लीकेशन ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके का शो करता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते होंगे वी आर शिफ्टिंग होम, योर जूनियो अकाउंट इज गेटिंग बेटर। तो गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया, अगर आप अभी तक माइग्रेशन नहीं कर रखा, अगर आपने दोबारा यहाँ पे पैन कार्ड वेरीफाई नहीं करवाया, मतलब अगर आपने यहाँ पे दोबारा अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं करवाया है, तो डेफिनेटली अब आप यहाँ पे जूनियो एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको यहाँ पे दोबारा वेरीफाई कराना पड़ेगा पैन कार्ड के साथ, इसी के साथ साथ और भी जानकारी के साथ। तो गाइस यहाँ पे आप देखो साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर रखा है वी आर शिफ्टिंग और बैंकिंग पार्टनर फ्रॉम आरबीएल टू ट्रांसक्रॉप। तो गाइस आप सभी को पता होगा अगर ये डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता अपने कस्टमर को तो आरबीएल बैंक के थ्रू पार्ट बाय होता है, मतलब यहाँ पे इनका बैंकिंग पार्टनर आरबीएल था, बट अब फिलहाल में अब यहाँ बिल्कुल चेंज आउट हो चुका है, इनका बैंकिंग पार्टनर चेंज हो चुका है जो कि रहना ट्रांसक्रॉप, जो कि इनका अब जो डेबिट कार्ड इशू होगा इन्हीं कंपनी के थ्रू, इन्हीं बैंकिंग पार्टनर के थ्रू इशू होगा, उन्हीं पे इनका नाम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इन्होंने पूरा डिटेल दे रखा है कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है, अगर आपके बैलेंस अवेलेबल है तो क्या हो सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन कर रखा है कंप्लीट फ्यू स्टेप टू गेट योर ब्रांड न्यू जूनियो कार्ड। तो गाइस अब आपका बिल्कुल ही जूनियो कार्ड का जो नंबर होता है डेबिट कार्ड का नंबर या कैसे जो भी कार्ड का नंबर होता है, इसी के साथ एक्सपायरी डेट और सीवीवी बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब आपका यहाँ पे ओल्डर वाला जो भी डिटेल था वो बिल्कुल एक्सपायर हो जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे मेंशन कर रखा है इफ यू हैव बैलेंस इन योर एग्जिस्टिंग कार्ड यू कैन यूज इट टिल द 10th ऑफ सेप्टेम्बर। तो अगर आपके उस आरबीएल कार्ड में अवेलेबल बैलेंस है तो आप 10th सेप्टेम्बर तक ही यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक यूटिलाइज नहीं करा तो गाइस प्लीज यूटिलाइज करिए। यहाँ पे आप देख सकते होंगे यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है योर एग्जिस्टिंग कार्ड एंड बैलेंस विल बी विजिबल टू योर आफ्टर माइग्रेशन। अगर आप यहाँ पे माइग्रेशन कंप्लीट कर लेते हो, माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, डेफिनेटली आपको बैलेंस के साथ साथ डेबिट कार्ड भी है, जो भी कार्ड होता है जूनियो कार्ड वो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका जो भी बैलेंस रहेगा आपके आरबीएल कार्ड में वो ट्रांसफर इजिली हो जाएगा। बट अगर ना हो पाए तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, वो भी 10th सेप्टेम्बर से पहले पहले। मैं आपको बता दूँ आप यहाँ पे इजिली कुछ फॉर्म फिलअप करके या फिर कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करके एक जीमेल आईडी उस पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि कैसे आपको कंप्लीटली प्रोसीजर जानना है, क्या प्रोसीजर होने वाला है, तो मैंने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आप सभी के लिए बना रखा है, तो उस वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते होंगे साफ साफ मेंशन कर रखा है ऑल रिफंड्स विल बी कम इन एग्जिस्टिंग कार्ड सो दैट यू कैन यूज। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ माइग्रेशन के बेनिफिट बता रखे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे अमेजिंग कैशबैक ऑफर देखने को मिलेगा, वो भी ट्रांसक्रॉप जूनियो कार्ड के यूजर के साथ। इसी के साथ साथ जूनियो कार्ड का बिल्कुल डिजाइन चेंज होने वाला है और कुछ फीचर्स भी यहाँ पे अपडेट के कारण और भी एप्लीकेशन बहुत ही इजीली से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और भी बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं। जो पहले 10,000 या फिर 1,00,000 क्रेडिट लिमिट था, अब यहाँ पे आप इजीली 2,00,000 तक स्पेंड कर सकते हो, इस एप्लीकेशन के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इस कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो गाइस मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया कि माइग्रेशन क्यों हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है, क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। सो गाइस आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से मत मिलियो, इस वीडियो से जानकारी मिली तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को देना सब्सक्राइब। आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए कुछ इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहते हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।